अलकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक और आज एटीनथ रमज़ान है तो हमने सोचा कि रमज़ान का ब्लॉग बना लेते हैं वैसे हमें पिछले दिनों बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि हम कोई भी वीडियो एडिट करें या कुछ भी करें कोई वीडियो बनाएं ब्लॉग बनाएं तो आज ही टाइम मिला तो सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं अफतारी का ब्लॉग तो अफतारी के ब्लॉग के लिए मैंने मैंने जो डिशेस डिसाइड की थी वो थी आ, पकोड़े आलू के पकोड़े और समोसे, समोसे और क्या था सी, आलू के सीख कबाब हाँ और बिरयानी और ठीक है शरबत और क्या होता है और क्या था हाँ और जो भी था आलू के नगेट हाँ हाँ कुछ ना है। कुछ हमने डिसाइड किया था ये कि इतना कुछ तो लेकिन हम लोगों ने चूंकि बहुत लेट स्टार्ट किया था मतलब नमाज असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तलावत हमने की उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम हो गया था छः बजे के करीबन बाद ही स्टार्ट किया था तो फिर मैं जल्दी से पकोड़े के लिए प्याज काटा पकोड़े का सामान बनाने लगी और जैनब ने एंड टाइम पे बिरयानी की रेसिपी मामा से पूछ ली और ये भी किचन में आ गई हालांकि इसने आज तक कोई एक चीज़ किचन में नहीं बनाई लेकिन फिर भी कह रही थी मैं बिरयानी बनाऊंगी और फिर बिरयानी बनाने के लिए इसने रेसिपी मामा से पूछ पूछ ली और फिर क्या किया कि किचन में फिर ये एक एक चीज़ पूछ पूछ के कर रही थी ना मतलब एक एक चीज़ इसने डालनी थी एक एक चीज़ कर रही थी तो मेरे पास अब एक ही हाथ डालते हाँ हाँ हाथ हाँ, हाँ, मेरे एक ही थे ना मतलब जाहिर है तो मोबाइल भी मैंने ही रखा हुआ था सेट किया हुआ था कैमरा मतलब मैंने ही सेट किया हुआ था और फिर मुझे ही पहले अपना सामान का करना था तब तक जैनब अपना सामान रेडी कर रही थी तो फिर मैंने अपने आलू वगैरह काटे ठीक है बस ये काटने के बाद जैनब अपना सामान वहाँ पे रेडी कर रही थी ठीक है क्योंकि फिर टाइम ही बिल्कुल कम रह गया था तो सिर्फ और सिर्फ पकौड़े और बिरयानी रेडी हो सकी और तो कुछ रेडी नहीं हो पाया ठीक है सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और ये है बेसन ठीक है अब बेसन को हम इसके अंदर डालेंगे कुछ पाँच छः चमचे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितनी थिकनेस आपको चाहिए तो इस तरह मैं, टेबल टेबल <coughs> मैं वन टेबल स्पून मतलब फोर फाइव टेबल स्पून डालूँगी अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ वन टेबल ये देखें डाल दिया वन टेबल स्पून। सूखे धनिया के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर ठीक है ये देखें रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर के बाद सॉल्ट डालनी है ठीक है और फिर हमने गर्म मसाला पाउडर डालना है ठीक है ये मतलब ये सारी चीज़ें आपने कंपल्सरी ऐड करनी है और फिर इसको मिक्स करेंगे हम लोग ठीक है मिक्स करेंगे ऐसी और फिर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे इसकी थिकनेस वगैरह आप अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा थिक हो जाएगा जब मसाला तब इसको हम लोग मिक्स करना छोड़ देंगे ठीक है देन हम लोग इसको एंड टाइम पे फ्राई कर लेंगे अभी मैं इसको मिक्स करेंगी अब आते हैं मेरी रेसिपी की तरफ तो इसमें मैं बना रही हूँ बिरयानी तो बिरयानी के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें चावल जो है चावलों में हम लोगों ने चावल बॉईल कर लेने हैं और फिर उसमें मैंने प्याज कटिंग कर लिया है कि प्याज जब कट हो जाएगा तो वो जाएगा हम अलग से उसका सालन टाइप बनाएंगे तो वो उसके अंदर जाएगा तो अभी मैंने पानी ऐड किया है हल्दी ऐड की है नमक ऐड किया है ज़ीरा ऐड किया है लसन अदर का पेस्ट ऐड किया है और जितने भी मसाले थे मैंने सारे ऐड कर दिए इसके अंदर अब ये मेरी जारी है इसके अंदर प्याज इसके अंदर प्याज चलेगी फिर मैं इसे मिक्स करूँगी प्याज को हमने कच्चा रहने देना है ठीक है थोड़ा सा देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन टाइप का अब इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया चिकन बिकॉज ये हम चिकन की अलग से बना रहे हैं क्योंकि ये चिकन का सालन अलग से जाएगा इसके अंदर अब हम इसे जस्टेड कर लेते हैं और हम ढकने से ढक देंगे इसे कुछ टाइम के लिए पाँच से छः मिनट तक के लिए हम ढक देंगे ताकि चिकन अच्छी चटन से पक जाए अब आते हैं दूसरी साइड पर इसके डिज के अंदर हमने ऑयल डाला है तो अब मैंने ऑयल के अंदर वन टेबल स्पून गर्म मसाला डाल दिया है ठीक है अब हमने इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया जीरा और मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी और हमने जो फ्लेम होगा उसमें हमने बिल्कुल मीडियम रखना है जब तक ये फ्राई होता है हमारी दूसरी हांडी को पाँच से छः मिनट हो गए हैं तो मैंने अब इसे लेट को उतारा और हमने अब हाई फ्लेम पर इसे पका लेना है अच्छे तरीके से ठीक है ठीक है फ्लेम पे मेरे पकौड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ जैन खी इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और ब्लैक पेपर डलेगी इसके अंदर ठीक है थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में ये ब्लैक पेपर अच्छी होती है जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं तो इसके अंदर मैंने एक टमाटर डाला है आप अपनी जितने आपके चावल हैं आप उसके हिसाब से डालना मैं तो यहाँ पे एक ही ले हूँ फ़िलहाल अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही और मुझे याद नहीं आपको बताना इसके अंदर नमक भी जाएगा आप हंस दे जितना ज़रूरत है उतना ही आप डाल दें और हाँ ये मेरे पकौड़े यहाँ पे, हाँ पे रेडी हो गए हैं और इनको मैं निकाल लूँगी अच्छी तरह से देन हम बाद में मिलेंगे अब जो हमारा ये मसाला बना है ये मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो रहा है दूसरी तरफ ये चिकन हमारा ऑलरेडी बन चुका है और हम इसके जूसी हांडी के अंदर इसे ऐड कर देंगे शिफ्ट कर देंगे एड मैम हम इसे हिला लेते हैं अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पुदीना और धनिया भी आप लोग डाल सकते हैं मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला जितना आपको अच्छा लगता है आप रिफ़्रेशमेंट के लिए उसे इतना डाल दें यहाँ पे मैं दो हरी मिर्चें डालूँगी बीच में से कट करके और मैं लीमू डालना भूल गई थी तो आप लोग इसके अंदर लीम भी डाल सकते हैं ठीक है इसे मिक्स कर लिया और अभी मैं इसके अंदर आलू बुखारे डाल रही हूँ खुश्क आई मीन जो मैंने राइस बॉयल किए थे आ, उसे मैंने स्टेन में निकाल दिया और स्टेन करके अब मैं इसके अंदर उबला हुआ चावल ऐड कर रही हूँ मैंने इसके अंदर डाल दिया है केवड़ा ठीक है और रंग डालूंगी मैं इसके अंदर मैंने और आगे इसके अंदर मैंने जो ब्राउन हुई प्याज होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है अब इसे लो फ्लेम में दम पर रख देंगे तो गाइस बाकी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हाँ। बिरयानी अभी तक रेडी नहीं हुई है तो बाद, बाद तो ये दस मिनट के बाद हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी मैंने सोचे से मिक्स कर लिया था शरबत हम रखना भूल गए थे तो हमने अब रख दिया है तो गाइस ये थी हमारी आज की अफतारी व्लॉग हम लोगों की ज़्यादा चीज़ें बन नहीं पाई तो फिर भी हमने बना लिया तो गाइस यही था आज का तो एंजॉय करें खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और इस रमजान में रमजान में खुशियाँ बांटें हैं अल्लाह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब